बेकसूरों को जेल में डाला जाएगा और दंगाई प्रवचन देंगे, जवाब तो मांगा जाएगा। जब इकॉनमी धराशायी हो, कूटनीति में भारत पूरी तरह से घिर गया हो, मगर मुख्य धारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो, तो जवाब तो मांगा जाएगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब मांगा जाएगा, मैं अभिसार शर्मा। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप और एसएमएस पर कम से कम अपने 5 दोस्तों और कॉन्टैक्ट्स को भेजें, ताकि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसके जरिए गोदी मीडिया के नफरती प्रोपेगेंडा को धराशायी किया जा सके। बॉम्बे हाईकोर्ट का वो अहम फैसला जो कि गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के उस नफरती प्रोपेगेंडा को धराशायी करती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है तबलीगी जमात और विदेशों से आने वाले तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ जो तमाम बातें कही गई थी वो झूठी हैं और उनके खिलाफ FIR को रद्द किया जाए। अदालत का फैसला क्या कहता है उसके बाद मैं उसकी व्याख्या करने वाला हूं। अदालत का फैसला आपके स्क्रीन पर। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विदेशियों के खिलाफ जो कि मरकज दिल्ली में आए थे उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया। एक तस्वीर बनाने की कोशिश की गई कि भारत के अंदर कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए विदेशी जिम्मेदार हैं। जी हां, एक बहुत अहम फैसला यहां पर सुना रहा है बॉम्बे हाईकोर्ट और आगे वो क्या कहते हैं उस पर भी गौर कीजिएगा। एक राजनीतिक सरकार हमेशा यह कोशिश करती है कि जब भी कोई बड़ी आपदा आती है तो उसके लिए बलि का बकरा ढूंढा जाए, और इस वक्त जो सर्कमस्टेंसेस मौजूद हैं उससे साफ हो रहा है कि इन विदेशियों को बलि का बकरा बनाया गया। वो आगे ये भी कहते हैं कि जो ताजा संक्रमण के आंकड़े हैं भारत में वो ये बतला रहे हैं कि जो मौजूदा पिटिशनर्स यानी कि जो तबलीगी जमात के सदस्य हैं उनके खिलाफ कार्रवाई गैर वाजिब थी। उन्हें यह भी कहा गया है कि उनके वीजा उन्हें वापस दिए जाएं ताकि वो अपने मुल्क अपने देश लौट सकें। तो बहुत ही करारा तमाचा एक तरह से मारा गया है बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले में। और मैं नहीं भूला हूं कि तबलीगी जमात पर जो हमला हो रहा था वो तो हो ही रहा था, मगर उसके जरिए मुख्य धारा की मीडिया का मदद ली गई और किस तरह से कोरोना संकट के बीचों बीच एक प्रोपेगेंडा चलाया गया जिसके जरिए मुसलमानों के सोशल बॉयकॉट तक की बात की गई। ढेरों तस्वीरें दोस्तों उस वक्त सामने उभर कर आई थी कि किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। मैं नहीं भूला हूं भारतीय जनता पार्टी का एक नेता उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से फल बेचने आए एक मुसलमान को धक्के मार के जलील करके उसने बाहर निकाला था। बिहार से भी इसी तरह की ढेरों तस्वीरें उभर कर आई थी कि फल और सब्जी बेचने वाले मुसलमानों को धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा था। क्या नाम है? रुक। भाग कहाँ रहे हो? भाग कहाँ रहे हो? भाग क्यों रहा है? नाम बताओ। सही सही अपना नाम बताओ। क्या नाम? नाम बताओ अपना। नाम क्या बेटा? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा बाप बच जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। साला झूठ बोल रहा था मुसलमानों के। बोल रहे बे? अरे भैया राजकुमार से बोलते रहते हैं। जब नाम पूछा जा रहा है तुम्हारा, क्या नहीं बता रहे हो? छोड़ दिया, अब नहीं करेंगे। चलो झूठ क्यों बोलता तू? अब नहीं करेंगे। बस्ती में देख नहीं जा रहा है यहाँ पे तुम लोग? आज के बाद देख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार मार के ठीक कर देंगे। और झूठ क्यों बोलते? राजकुमार नाम है तुम्हारा, साले मुसलमानों के अपना नाम झूठ बोलते हो? देख मत जाना यहां मोहल्ले में, साले राजकुमार नाम बता रहा था अपना, हिंदू नाम बता रहा है। सबसे दुखद बात जो दो स्तर पर उभर कर आ रही है कि मीडिया, मुख्य धारा की मीडिया ने जबरदस्त झूठ का प्रचार प्रसार किया। अनाप शनाप वीडियोस जिसका कोई लेना देना नहीं था तबलीगी जमात से, वो वीडियोस का इस्तेमाल करके कहा गया कि देखो तबलीगी जमात के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से खाने में थूक रहे हैं, फलों में थूक लगा रहे हैं और उसके जरिए देश में संक्रमण फैलाया जा रहा है। इंसान से हैवान तक
भगवान से शैतान तक। और मैं ये नहीं भूला हूं, न्यूज 18 की वो बहुत ही खतरनाक खबर थी। वो खबर क्या कह रही थी जानते हैं आप? वो खबर ये कह रही थी कि तबलीगी जमात के पाकिस्तान के साथ लिंक्स हैं। और मैंने उस वक्त भी कहा था अगर वाकई तबलीगी जमात के पाकिस्तान के साथ लिंक्स हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर तबलीगी जमात पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में कोरोना फैला रहा है तो इस पर तो बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया था, बस न्यूज 18 ने यह खबर चलाई थी अपने डिबेट में, सिर्फ एक चैनल ने चलाई थी। मैं बार बार उस वक्त पूछ रहा था यह बहुत बड़ा आरोप है, दिल्ली पुलिस का बयान कहां है? आप जानते हैं इस पूरी तबलीगी जमात मामले में मुझे आपत्ति किस बात पर थी? मुझे आपत्ति इस बात पर थी कि अगर मौलाना साद नाम का शख्स कुछ गलत कर रहा है, कुछ गलत कह रहा है तो आप उस पर कार्रवाई करें। मुझे याद है मौलाना साद का एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान कि कोरोना संकट के दौरान आप मस्जिदों को लोगों से भर दें, यह हमारी आस्था पर सवाल है। इस तरह के निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने दिए थे, मगर उसके बहाने बेकसूर मेहनत कश लोगों को टारगेट करना, उस चीज पर मुझे आपत्ति थी। और आज ये बात साबित हो रही है बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले से। बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला न सिर्फ गोदी मीडिया पर सवाल उठा रहा है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठा रहा है। आज फिर से आपको एक सवाल पूछना पड़ेगा और बहुत अहम सवाल है, क्या आप जानते हैं कि तबलीगी जमात का जो मरकज हुआ था दिल्ली के निजामुद्दीन में, मरकज जहां हुआ था उसके बिल्कुल साथ में दिल्ली पुलिस का की एक स्टेशन है, उनका दफ्तर है। तो दिल्ली पुलिस आखिर क्या कर रही थी? दो दिन तक वो मरकज होता रहा और आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आपके नाक के नीचे नाक के बिल्कुल नीचे ये समारोह होता रहा जब कोरोना संकट फैल रहा था, उग्र हो रहा था, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। बात यहां नहीं रुकती है, सबसे बड़ी बात दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत आता है? माननीय अमित शाह। क्या आप जानते हैं कि तबलीगी जमात ने मुंबई पुलिस से भी अपील की थी कि हमें मुंबई में ऐसा मरकज रखना है? मुंबई पुलिस ने साफ तौर पर मना कर दिया था, जैसा कि आप स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। मुंबई पुलिस ने कह दिया था कि हम आपको ऐसी अनुमति नहीं दे सकते हैं। तो फिर गृह मंत्रालय ने, जिसके अंतर्गत दिल्ली पुलिस आती है, उन्होंने तबलीगी जमात को दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में आयोजन की अनुमति क्यों दी? मुझे यकीनन आपत्ति उस वक्त तबलीगी जमात पर थी। मैंने कहा था कि भाई जब कोरोना फैल रहा है तो उन्हें स्वेच्छा से ऐसा आयोजन नहीं करना चाहिए था। मगर उससे भी पहले आपको यह सवाल पूछना चाहिए था कि जो विदेशी तबलीगी जमात के मरकज में शिरकत करने आ रहे हैं उनकी जांच इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में क्यों नहीं हुई? और यह जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की है। तो भारत सरकार इसमें कई मोर्चों पर फेल हुआ। नंबर एक, जो विदेशी डेलीगेट्स आ रहे थे उनकी जांच नहीं हुई। नंबर दो, उन्होंने आयोजन की, गृह मंत्रालय ने आयोजन की अनुमति दे दी। नंबर तीन, गोदी मीडिया के जरिए झूठ का प्रचार प्रसार हो रहा था, जैसे कि न्यूज 18 की उस खबर से साफ हो रहा है। और पूरी तरह से तबलीगी जमात को एक विलन बताया गया था। यह जो आज मैं आपको बात कह रहा हूं, यह बात मैंने उस वक्त भी कही थी, मगर मैंने यह भी कहा था कि तबलीगी जमात का अगर दोष कोई आए तो आप उन्हें कटघरे में रखिए, उन्हें सजा दीजिए। बावजूद इसके मुझ पर निशाना साधा गया। देखिए, मेरा सिर्फ एक तर्क है, आप चाहें तो दोषियों पर कार्रवाई करें और उसका प्रावधान है, मगर उसके जरिए मेरे समाज में विद्वेष पैदा ना करें, नफरत ना पैदा करें, देश की एक आबादी के खिलाफ झूठा और गलत प्रोपेगेंडा ना फैलाएं, जो आप फैला रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र फैला रहा था। वो जो दो दो रुपए पे ट्रोल्स बिकते हैं इनके, उनके पास घर में कोई काम नहीं है, पड़े हुए बेचारे, ठीक है, और वो लोग जो हैं इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, और उन ट्रोल्स और न्यू मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स जो थे उनकी भाषा में कोई फर्क नहीं था।
और आज बॉम्बे हाई कोर्ट का यह आदेश उन सबको एक करारा तमाचा मार रहा है। मगर क्या उनके प्रोपेगेंडा में किसी तरह की कोई रुकावट आएगी? नहीं आने वाली। क्या ये माफी मांगेंगे? नहीं माफी मांगने वाले। अब इनके लिए अदालत का भी फैसला मान्य नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसके विपरीत कोई और प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा और उसके लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं की जाएगी। इसलिए आज मैं उम्मीद करता हूं कि बॉम्बे हाईकोर्ट का जो ये फैसला आया है उसके बाद ये जो नफरत है जिससे मुख्य धारा का मीडिया फैला रहा था, प्रचार तंत्र फैला रहा था, उस पर अंकुश लगेगा, उस पर लगाम लगाया जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।